ऐसा बनने के लिए कैसा नहीं होता फिर? मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा उस प्रोड्यूसर का जिसने फिल्म बनाई, इसके बाद पूरी टीम का, और टीम का जो कप्तान होता है विष्णु शंकर बेलू यानी डायरेक्टर, मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतनी प्यारी और इतनी पारिवारिक फिल्म बनी है जो कि हर घर और हर परिवार देख सके बैठ के एक साथ, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। और मैं आज अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूं कि 1 तारीख यानी 1 नवम्बर छठ के पावन अवसर पर आपके मुंबई और गुजरात में रिलीज हो रही है। इसके बाद थोड़ा बिहार की स्थिति ठीक नहीं है जिसमें मैं भी सम्मिलित हूँ बाढ़ और अव्यवस्था में, तो उस बाढ़ और अव्यवस्था की वजह से हम 2-3 वीक के बाद हम बिहार और यूपी भी एक साथ रिलीज करेंगे। तो ये भी कहना चाहूँगा कि लव मैरिज फिल्म का नाम है, आप कितना विश्वास करते हैं इस कॉन्सेप्ट में, लव मैरिज कॉन्सेप्ट में? बिल्कुल, देखो अगर हम मैरिज के बाद लव करते हैं, अगर पहले से लव करके मैरिज करते हैं तो मुझे लगता है उसमें ज़्यादा मजबूती है, लेकिन उसको एक सादगी और एक दायरे में अगर करें तो ठीक है, और बदमाशियां करेंगे तो लव बिल्कुल बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। लेकिन अगर एक संतुष्टि और सहभागी जैसे कि लव दोनों तरफ से होना चाहिए, अगर दोनों में एक मजबूती है, एकता है और प्यार है तो बिल्कुल वो बहुत दूर तक जाएगा और यादगार बना के जाएगा। इस फिल्म में अक्षरा सिंह पे आप पिता नजर आ रहे हैं, अक्षरा जी पे क्या कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा उनकी खूबसूरती में आप पिता क्या कहेंगे? नहीं बिल्कुल, आपने सही सवाल किया, अक्षरा जी बहुत ही खूबसूरत है, जैसे कि लोग कहते हैं उससे ज्यादा मैंने काम किया है, तो मैंने उनकी खूबसूरती देखी है, उनकी सादगी देखी है काम में, वो बड़े शिद्दत से काम करती है और बड़े खूबसूरती ढंग से हर चीज को संवारती है, तो काम करके मुझे बहुत सीखने को मिला उनकी काम की खूबसूरती और उनके रहन सहन और उनके कार्यशैली की खूबसूरती, तो मैं बिल्कुल ऐसे भी फिदा हूँ और वैसे भी फिदा हूँ और लव मैरिज में तो फिदा ही हूँ। तो असल जिंदगी में कभी ऐसे प्यार वाली फीलिंग आई कि नहीं आपको? बिल्कुल आई थी, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया, लेकिन बिल्कुल ये लव मैरिज फिल्म करके मुझे लग रहा है मैं बिल्कुल सक्सेस हूँ लव मैरिज करके। इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में जानना चाहूंगा? हाँ मैं इसके अलावा कल से ही शूटिंग करने जा रहा हूँ अमरपाली जी के साथ, अभी अमरपाली जी भी आई हुई है आपके बीच में, जल्द 5 मिनट में आ रही है, और राजमहल जो टाइटल है मैं कल से शूटिंग पे जा रहा हूँ अमरपाली जी के साथ, वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म है, अलग फिल्म है, लोगों को पसंद आएगी। इसके अलावा भी जल्द आप लोग हमारा इंटरव्यू और लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था सर कि ये इंटरव्यू बहुत सारे केके भैया, विजय भैया, मुन्ना जी और हमारे प्रोड्यूसर पूरी टीम और हमारी लव मैरिज की पूरी टीम, एक फिल्म आप लोगों के सामने अभी रिवील होगी जो जल्दी ही हम लोग उसकी शूटिंग भी शुरू करेंगे, उसकी घोषणा अभी सबके सामने किया जाएगा जी। मैं बता दूं फिल्म की घोषणा मैं ऐसे अकेले नहीं करूंगा, मेरे सामने नजर आ रहे हैं हमारे प्रोड्यूसर, मैं बुलाना चाहूंगा उन लोगों को भी मंच पे, मोहन भैया आप भी आएं और हम सब साथ में करेंगे। रितेश ठाकुर जी आइए, आप भी आइए डायरेक्टर साहब, और एक साथ हम लोग एक फिल्म की घोषणा करेंगे, लव मैरिज तो आप लोगों के बीच में देखा ही है, आइए सर। मैं वो फिल्म का टाइटल नहीं बताऊंगा, हमारे मोहन भैया उस फिल्म का टाइटल रिवील करेंगे, जो कि हमारे प्यारे प्रोड्यूसर हमारे बाबूजी, जो कि मैं सबसे बड़ा मतलब मैं भाग्यशाली हूं जो मुझे एक नहीं दो दो पिताजी मिले जिसमें ये भी है, और मैं इनके आशीर्वाद से, और बहुत प्यारी फिल्म बनी है, लोग जैसे देखने के बाद बताएंगे जी। अपकमिंग प्रोजेक्ट जो अपकमिंग प्रोजेक्ट जो है इट इज मोर ऑफ म्यूजिकल है एंड डांस का बहुत स्कोप है, पिक्चर का नाम मतलब हम लोग बहुत ही एक भोजपुरी में अच्छा फिल्म लाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका टाइटल हम लोग ने रखा है ठुमका। अरे वाह ठुमका, रितेश जी आप बताइए कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये फिल्म में एक हीरो हीरोइन, आवाज विजय भैया, विजय भैया कहाँ है? रुके रुके कर दो एक, बेचना आपकी बाबू जी हैं, इनका दूसरी फिल्म है प्रोडक्शन की और फिल्म का नाम है भोजपुरिया ठुमका। ये ट्रायंगल लव स्टोरी कहानी है, एक बाप बेटे और एक तोयाफ की कहानी है, ठीक है, और ये फिल्म बहुत म्यूजिकल फिल्म है और बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, मैंने स्क्रिप्ट सुनाया था मोहन जी को, उन्होंने पसंद किया और हम लोग ये फिल्म का अनाउंसमेंट आज के दिन ही करना है।
उचित समझे, तो और हम लोगों ने किया। अभी हम लोग पोस्टर रिवील करेंगे, फिल्म दिसंबर में शूट की जाएगी और अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है और अच्छी तरह से ही बनेगी। बाबूजी आप क्या आशीर्वाद दीजिएगा? आशीर्वाद ही आशीर्वाद है, अमरीश बोले वही। उसके बाद दूसरा ठुमका है, अभी इंटरवल तक अमरीश का ठुमका देखा आपने, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा, क्या कुछ अच्छा नहीं लगा बताइए? अच्छा लगा। आप बताएंगे लव मैरिज के बारे में कब तक रिलीज करना? अच्छा, बात हम लोग का नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट वीक में रिलीज करना है। मोस्टली एक तारीख का डेट फाइनल किया है और इफ मतलब सब सही हुआ तो एक तारीख को हम लोग रिलीज कर ही देंगे। कैसा लगा अभी इंटरवल तक फिल्म चली है आपको? अच्छा लगा रिलीज कैसा लगा? ये तो हमारी बेबी है तो अच्छा तो लगेगा ही, हम आशा करेंगे पब्लिक को भी अच्छा लगे। सबने दिल से काम किया, सब आर्टिस्ट लोग ने बहुत अच्छा से काम किया, डायरेक्टर इनफैक्ट बहुत अच्छा काम किया। अभी मतलब उनका मेहनत दिखता है और ये तो हमसे ज्यादा आप ही बता सकते हैं कि पिक्चर कैसा है। पहला बार जरूरत है आप एक पिक्चर कंप्लीट हो गया फिर से कैसा लगा लोगों का व्यवहार यहाँ पर? बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल है, बहुत अच्छा है, बहुत प्रोफेशनल है और लोग दिल से काम करते हैं। और हेश मिश्रा को जानते हैं? ये सवाल आप पूछ रहे हैं, ये सवाल आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब ही मैंने समझ में आया कि कौन नहीं जानता भोजपुरी इंडस्ट्री में, कौन नहीं जानता है। अजय खलनायक को सिनेमा में नजर आते हैं, जैसे आप फिल्म में पॉजिटिव रोल किए हैं, बाबूजी का रोल किया है, थोड़ा हल्का निगेटिव सेट भी किए हैं, आप उनको किस किसमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव या निगेटिव है? वो आर्टिस्ट है, हर रंग में रंग जाते हैं, वो कैरेक्टर को प्ले कर दे, लीव कर दे, कैरेक्टर को लीव कर दे, जो कैरेक्टर उनको पसंद आ गया वो उसमें वो काम करते हैं और वो फिर वो कैरेक्टर आता है, फिर वो अवधेश जी कौन है क्या है वो कैरेक्टर हो जाते हैं। परेशान किया? बेलू जी ने तो हमको जरा भी परेशान नहीं किया और उसमें उनका एक गाना भी है जो हाईलाइट ऑफ द फिल्म है, वो अभी आप इंटरवल के बाद देखेंगे आपको पता चलेगा। इनक्रेडिबल एक्टर, इनक्रेडिबल डायरेक्टर और मिलन सर आज एक नया फिल्म के अनाउंसमेंट किए, रितेश ठाकुर फिल्म डायरेक्टर, रितेश ठाकुर क्या कहेंगे? अच्छे इंसान है, हम लोग काफी बातचीत होते रहते हैं, अच्छा स्कोप है, उनका थॉट्स अच्छे हैं और ये जो ठुमका पिक्चर के बारे में हमने जब डिस्कस किया तो इसमें गाने और डांस का बहुत अच्छा स्कोप है, जो शायद मुझे लगता है डांस को भोजपुरी इंडस्ट्री इग्नोर करते आ रही है, हम वो टॉपिक को लेना चाहते हैं, एक कला को प्रस्तुत करना चाहते हैं। हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं और आशीर्वाद है कि हमारे अमरीश भाई हीरो हैं, पहले भी किए हैं लेकिन इस फिल्म में तो लाजवाब काम किया है इन्होंने, और इस फिल्म के डायरेक्टर विष्णु शंकर बेलू जी हमारे पुराने मित्र रहे हैं, पहली पिक्चर के गठबंधन पर क्या तब से हम लोग साथ में, आज भी साथ में हैं और ऐसे पारिवारिक और पृष्ठभूमि पे उन्होंने जो फिल्म बनाई है, लव मैरिज टाइटल है बट पारिवारिक पृष्ठभूमि इस फिल्म की, और उस पृष्ठभूमि पे उन्होंने बहुत अच्छा काम पहले भी किया है, इसमें भी अच्छा काम किया है और बहुत बहुत बधाई गुप्ता जी को, हमारे प्रोड्यूसर साहब जिन्होंने फिल्म बनाई, और इसमें आचरा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा काम किया है, और अवधेश बाबू तो कमाल के वर्सेटाइल एक्टर हैं, अवधेश जी, विनोद जी, और उसमें एक और आर्टिस्ट आई हैं अनिता रावत जी, उन्होंने बेहद ही संवेदनशील भूमिका की है और अच्छा किया है, मेरी बहुत शुभकामना है कि ये फिल्म हिट हो, अच्छी हो। अवधेश जी तो वर्सेटाइल एक्टर हैं भाई, जिस रूप में आ जाएं बस वहीं से फिल्म शुरू हो जाती है। हाँ बहुत है, इनका अभिनय में बड़ी परिपक्वता आई है इनका, अमरीश जी की पहले से इसमें बहुत अच्छा काम किए हैं, हाँ और हम कोशिश करेंगे और अच्छा करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल डे बाय डे बहुत ही अच्छा काम करने का मौका मिलता है और बहुत ही अच्छा लगता है, तो बिल्कुल डे बाय डे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और लोगों ने अच्छा कराने की कोशिश की और मैं कोशिश किया और बेहतर करने की। जी खुद ही काम किए उसमें, ऐसे सिकंदर हीरोइन इंटरवल के बाद यही आएंगी। मैंने राउडी रानी देखा है सर का, हमसे बढ़कर कौन देखा है, बहुत सारी फिल्म में देखी है और बट सोचा नहीं था कि नेपाल से बॉम्बे आकर
फिल्म कर पाऊंगी एंड पॉसिबल हो गया। पहली फिल्म डेब्यू फिल्म आपकी? जी नहीं, बिल्कुल मेरी पहली फिल्म नहीं है, ये मेरी दूसरी फिल्म है लव मैरिज। मेरी पहली फिल्म थी राम और अली और मेरी दूसरी फिल्म है लव मैरिज। तो कैसा अनुभव था शूटिंग के दौरान अमरीश जी के साथ और भी कलाकारों के साथ, अनुभव कैसा था काम करने का? बहुत अच्छा अनुभव रहा। और मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आई थी जब मैंने लव मैरिज किया, अचानक नेपाल से वहाँ के फ्लाइट से आई मैं, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं किसी और देश में हूँ या फिर कहीं बाहर हूँ। एकदम परिवार जैसा, फैमिली जैसा माहौल था सेट पे, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव लगा। नेपाल के हैं जी, तो मुंबई का अनुभव बताइए, मुंबई में अभी तक कैसा लग रहा है, फिल्म इंडस्ट्री का जो माहौल है यहाँ का, भोजपुरी वगैरह? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। क्या सपना लेके आए मुंबई, कोई बड़ा सपना लेके आए हैं? सपना तो बहुत सारा है, बट देखते हैं क्या पूरा होता है। अभी तो एक सपना पूरा हो गया ना? एक सपना पूरा हो गया और हमारी फिल्म ऑब्वियसली मैं चाह रही हूँ कि हमारी फिल्म सुपर हिट हो, और मुझे पता है कि लव मैरिज सुपर हिट होगी। और कोई प्रोजेक्ट कर रही इसके अलावा? जी और कोई प्रोजेक्ट कर रही हैं इसके अलावा? जी हाँ, मैंने एम आई राज सर की अभी फिल्म की है इसके अलावा, मेहंदी लगा के रखना 3 की है। अच्छा। और अपकमिंग फिल्म और सारी हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के अलावा या हिंदी फिल्मों में करना है? नहीं, मुझे सिर्फ भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है। आई लव भोजपुरी और जय हो भोजपुरी समाज। मैं लव के बाद की प्रक्रिया बता रहा हूँ, जहाँ निकलती रही उसको सजा दे प्यार की। लव मैंने जिंदगी में क्यों पूछ रहे हैं? मैंने मेरा मैरिज भी लव मैरिज ही हुआ है। क्या बात है सर? हाँ, लव किया तो शादी कर लिया, और आज मेरे जीवन में है, जीवन संगनी है, अर्धांगिनी है, संपूर्णनी है। सर मुश्किल होता है लव करना, किसी से बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान तो होता नहीं है, आप बताइए हम लोग कैसे लव करें? देखिए प्यार इतनी मजबूत चीज़ है ना, सब लोग झेल नहीं पाते। प्यार की प्रताड़नाएँ भी बहुत खतरनाक होती हैं, प्यार के झगड़े भी बहुत खतरनाक होते हैं, प्यार तो सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। तो अपने आप में बहुत व्यापक चीज़ है प्यार, जो ज़िंदगी को खुश सुखमय बना देती है, अच्छा सलीके से जीना सिखा देती है, और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के ये फिल्म बनी है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि प्यार के बारे में मुझसे पूछ रहे हैं, बगल में हीरो खड़ा है। अमरीश और अक्षरा के इसमें लव मैरिज दिखाया जा रहा है, आप उसमें पिता के कैरेक्टर में पॉजिटिव है, हल्का? तो पिता के बारे में पूछे ना, प्यार प्यार पूछे। आपको दोनों का पेयर कैसा लगा अमरीश जी और अक्षरा जी का? अक्षरा जी तो एक बहुत ही सदी हुई अभिनेत्री हैं, बहुत खूबसूरत अदाकारा हैं, और उन्होंने कई फिल्म जो भी किए इसके पहले भी किए, उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्में दी इंडस्ट्री को। एक कुशल अभिनेत्री, एक कुशल व्यक्तित्व है उनका, और अमरीश जी के साथ मैंने इसके पहले भी एक फिल्म किया था, हमसे बढ़कर कौन, उसके पहले सबसे पहले भी हमने एक ज्वाला फिल्म, जो ज्वाला भी किया था, बताइए मुझे किया था आपके डरावने शक्ल को, अब तो स्मार्ट लग रहा है। उस समय तब मैं विलेन हुआ करता था, अब मैं पॉजिटिव रोल में आ गया हूँ। मुझे वक्त के पहले हमारे डायरेक्टर ने बुजुर्ग बना दिया था कि हमसे बहुत खतरा ना रहे इन लोगों को, इन लोग आम जीवन में लव मैरिज करने का, लव करने का, मैरिज नहीं, खतरा ना रहे, इसलिए मुझे बुजुर्ग बना दिया है। मैंने इसमें बुजुर्गियत का चोला उड़ा है, और बहुत अच्छा किरदार है, बहुत ही उड़ा अंदर से, ये बहुत युवा है। आम जीवन में तो हम बहुत, अभी तो 21 हुआ है, तो बेलू जी ने हमसे बड़ा अच्छा काम करवा लिया है, और मैं अपने आप को बिल्कुल छोड़ के जाता हूँ, डायरेक्टर जैसा करा लेते हैं कर लेता हूँ। गलती ये है कि नाम मेरा हो जाता है, लेकिन काम तो इन्हीं लोग का होता है, मेरा तो केवल नाम हो गया, हमने कर लिया। लेकिन ये बेलू जी ने बड़ी मेहनत की है, बहुत सदी हुई स्क्रिप्ट है, कहानी बड़ी अच्छी है, स्क्रीन पे बहुत अच्छा है, और सारे जो कलाकार हैं एक सेट पे, अमरीश बाबू और गुप्ता जी के फॉर्म हाउस पर शूटिंग हुई थी, जो इस फिल्म के निर्माता हैं, अमरीश जी ने सबको एक इस क्या बोलते हैं, इस भाईचारे में, इस मित्रता में, एक मोहब्बत में बांध दिया था कि प्यार ही प्यार था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, एक शूटिंग करना, खाना पीना, मस्त होना, पार्टी करना, और एक हेल्दी माहौल में, एक हेल्दी वातावरण में। वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि जैसे लव मैरिज फिल्म नहीं और लव फैमिली फिल्म बन रही है कोई, और मैं धन्यवाद बोलूँगा कि लोग जैसे कहते हैं कि अवधेश जी आते हैं तो ऐसा होता है, अवधेश जी ऐसे करते, वैसे मैं पहली बार बता रहा हूँ कि सर का जितना वक्त दिया था उसके वक्त के बाद इन्होंने वक्त निकाल के बोला हम तुम्हारा साथ देंगे, तो मैं उस वक्त के लिए आपको धन्यवाद बोलता हूँ, शायद वही वक्त था जो आज इस वक्त हम सब साथ में।
अच्छी बात कह दी है, क्या बात, शायरी हो गई। अमरीश जी की मोहब्बत वहाँ पे सबके साथ थी, गुप्ता जी का आशीर्वाद सबके साथ था, बेलू जी का सबके प्रति डेडिकेशन समर्पण, डायरेक्शन देते देते भी हमारे हमारे सबसे प्यारे चुलबुले हमारे मित्र हैं जो अद्भुत अभिनेता हैं, वो हम सबसे कद में बहुत बड़े हैं जी भैया। तो उनका नाम है के गोस्वामी जी, उनका वहाँ पे सानिध्य मिला, बहुत ही अद्भुत सानिध्य मिला, स्वर्णिम सानिध्य मिला, मटरू जी थे, सब लोगों का जो वहाँ पे संग्रहित जो इकट्ठा जो वातावरण मिला, कलाकारा थी, अक्षरा जी थी, मछली बनाती थी, अनीता जी थी, सब मिलके खाना बनाते, सुबोध जी थे, एक प्यारी सी चुलबुली सी लड़की है जो मेरे बगल में है, सलोनी, गोरी है लेकिन सलोनी नाम रख दिया इन्होंने, ये सब लोग का एक बड़ा खुशमय माहौल था वहाँ। मैं शायद किन्हीं का नाम लेना अगर छूट गया हूँ, ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन अच्छे लोग का वहाँ पे सानिध्य मिला, एक अच्छे वातावरण में एक अच्छे माहौल में शूटिंग हुई, बेलू जी के निर्देशन में, गुप्ता जी के क्या बोलते हैं स्टूडियो में हम लोगों ने बड़ा अच्छा वक्त बिताया, खूब मछलियाँ खाई, पार्टी शार्टी मनाया, कैंप फायर बहुत किया हम लोगों ने, तो इसलिए सिनेमा में कुछ अच्छा दिख रहा है। पारिवारिक माहौल था, सुबह शाम सैर पे जाते थे, सैर पे जाते वॉक करता था मैं, थोड़ा दुबला भी हो गया था, वहाँ हाँ लगाव हो गया, पोखरा था, पोखरे में के ऊपर मचान था, मचान पे हम रहते थे, तो अच्छा अच्छा एक वो जब हेल्दी वातावरण में शूटिंग होती है तो उसका रिजल्ट फिल्म में दिखता है, दिखा, कम समय में भी फिल्म बनी, बहुत कम, और हाँ बहुत कम समय फिल्म बनी है, आप तक आप देख चुके हैं, कैसा लगा आपको? मुझे मूवी कैसी लगी? फिल्म बहुत अच्छी लगी, सबका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगा, विनोद मिश्रा जी जो बहुत ही दबंग अभिनेता है हमारी इंडस्ट्री के, बहुत अद्भुत काम किया उन्होंने, अयाज खान बहुत खूबसूरत, बहुत हैंडसम, और एक अलग रोल उसमें बेलू जी ने उनका गढ़ा है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया अयाज ने, अक्षरा जी की तो बात कह नहीं क्या, इस हमारे भोजपुरी में, भोजपुरी में 90% लोगों को वो शॉट देना चाहिए, 90% लोग को शॉट लगेगा, अगर शराफत शॉट लगने से होता है तो शॉर्ट सर्किट में सबको गुजर देना चाहिए ताकि एक एक इंडस्ट्री सुधर जाए, वो शॉट मुझे भी लगना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं भी अपने आप को मानता हूँ कि मुझे भी शॉट लगे, झटका लगे, एक अलग दुनिया बना, बहुत अच्छा रोल किया अयाज ने, अक्षरा जी ने अद्भुत काम किया, विनोद जी ने किया, अनीता रावत जी एक अद्भुत अभिनेत्री इस इंडस्ट्री में आई हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा सदा हुआ जो कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल किया है, हमारी जो हीरो की माँ थी वो अच्छे किया उन्होंने, हाँ वो हमारी, मैं उनका नाम ही बार बार भूल जाता, श्रद्धा जी, श्रद्धा नवल जी, सोनिया मिश्रा जी, सुबोध जी, अरुण काका, मटरू, केके, पूजा ने जो आपकी छोटी बेटी उसने बहुत, हाँ पूजा ने मेरी बिटिया का रोल किया था, जब एक सीन था जब हम यूं ही इमोशनल हो जाते हैं तो वो भी मुझे देख के फूट फूट के रोने लगी, एक अलग समावेश था वहाँ पे सबका सानिध्य, बहुत सुखद था, मैं कितनी तारीफ करूँ मैं, और ये माहौल बेलू जी ने बनाया, अमरीश जी ने उसको सजाया और गुप्ता जी ने उसको पूरी तरह से संजो दिया, सबको एक दूसरे में पिरो दिया। आपको क्या दिक्कत है ना अमरीश जी के साथ काम के मामले में? तो कभी मैंने एक पहली बार नहीं, और भी पहले भी काम किया, काम के मामले में तो बिल्कुल ही समर्पित है, इसमें छेड़ते थे डायरेक्टर को भी, हीरोइन को भी, मेरे साथ ऐसा नहीं रहा है, लेकिन मेरे साथ तो बहुत ही एक अच्छा सुखद अनुभव रहता है अवधेश जी के साथ काम करना, मुझे बहुत मजा आता है, और सबसे बड़ी बात इन्होंने जो कहा वो बिल्कुल सच है, ये अपने आप को एकदम सौंप देते हैं, और मुझे इनका पता है टेक्निक कब कैसे, भले कितना भी छेड़े लोगों को छेड़े, लेकिन मुझे इनकी टाइमिंग पता है, 3 बार आंखें बंद करेंगे और कैरेक्टर में जाएंगे, ये मुझे पता है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ, शायद आगे किसी ने नोटिस किया है कि नहीं, तो एक बहुत ही बेहतरीन अभिनेता के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत मजा आता है इनके साथ काम करके, सीन को हम लोग इतना बढ़िया से डिटेलिंग कर लेते हैं कि फिर वो सीन दिखता है किस तरीके से हुआ है। चलिए क्या कहना चाहेंगे जी? अभी तो उस फिल्म की मुझे कोई जानकारी नहीं है, तो जैसे मिलेगी वैसे उस फिल्म के बारे में ही बताऊंगी, बट आई एम श्योर अगर वो फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे हैं अमरीश जी और उनकी टीम, तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होगा और उसी पर फिल्म बना रहे होंगे, तो मेरी बेस्ट विशेस है पूरी टीम के साथ। अमर पाली जी आपके दोस्त अक्षरा जी है, आप लेट से पहुंची हैं, कुछ बताएं
आपकी कैसी दोस्त हैं और अमरीश जी? मेरी इस इंडस्ट्री में एक ही बहुत अच्छी दोस्त है अक्षरा, और मेरी सारी बेस्ट विशेज है उसको, पूरी टीम को। मैंने ट्रेलर देखा है फिल्म का, पूरी फिल्म तो देख नहीं पाई, बट एक दिन समय निकाल के ज़रूर देखूंगी, एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छी फिल्म बनी होगी। पोस्टर ही आप लोग देख सकते हैं कितना गजब लग रहा है और कितना एक नंबर लग रहा है, तो फिल्म भी बहुत अच्छी होगी, और मेरी पूरी शुभकामनाएं है टीम के साथ। मैं धन्यवाद कहूँगा, और मैंने इनकी कीमती वक्त, इन्होंने एक्चुअली कहीं इनको भी कई प्रोग्राम में जाना था, लेकिन मैंने स्पेशली कहा कि आप विशेष और लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर टीम भी चाह रही थी कि अमरपाली जी आए, और आई होप कि मैं चाहूँगा कि ठुमका में एक करें, प्लानिंग दिसंबर की है, तो जस्ट अभी हम लोग कल से ही शूटिंग करने जा रहे हैं राजमहल की, तो हम लोग साथ में हैं एक फिल्म में, और उस फिल्म के दरमियान हम लोग स्टोरी और बहुत सारी चीज़ों की बातें और वर्कआउट होगा, और जल्दी आप लोगों के बीच में ये भी फिल्म साथ में करते नजर आएंगे। बहुत ही एक्साइटिंग स्क्रिप्ट है, और मैं चाहती थी कि ऐसा स्क्रिप्ट करूं, और जब हमारे डायरेक्टर वेलू जी ने जब ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि भले कितना भी डेट्स एडजस्ट करना पड़े, लेकिन इस फिल्म को करना चाहिए, और कल से वही फिल्म की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेट्स होप ऑडियंस को भी उतनी अच्छा लगे जितनी मुझे अच्छी लगती है इसकी स्क्रिप्ट। इस फिल्म में और आपका हाथ कौन है? फिलहाल तो अमरीश जी के बारे में जानती हूँ मैं, अमरीश जी हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, सपोर्टिंग काफ़ी अच्छे लोग हैं, दीपक जी हैं और के जी हैं और मटरू जी हैं इत्यादि, जो हमारे इंडस्ट्री के कहा जाए कि अच्छे पिलर हैं, और सारे लोग अपने आप में एक मजबूती बना के इस फिल्म को भी एक सहायता और सहयोग बन के खड़े हैं जी। तमाम भोजपुरी के कलाकार सपोर्ट कर रहे हैं जी 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 जी। आज ही एक्चुअली, आज नहीं, पिछले 3 दिन से दिनेश जी की टीम बिहार में पहुंची हुई है, भागलपुर और बहुत सारे डिफरेंट जगहों पर जहां पर बाढ़ ने बहुत तबाही मचाई है, और वहां पर जाके, और अभी यूपी में भी कई जगहों पर बाढ़ आई है, वहां पर भी जाके राहत के कार्य कर रहे हैं लोग, और मैं खुद तो वहाँ पर जा नहीं पाई, बट मॉनिटरली मैंने कोशिश की है मदद करने की, और मेरी प्रार्थनाओं में उत्तर प्रदेश बिहार पूरे टाइम है, एंड आई जस्ट होप महाराष्ट्र की भी बहुत सारी जगहों पर तबाही हुई है बाढ़ से, तो मैं बस यही प्रे करती हूँ कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए और लोग अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में वापस आ जाए। नवरात्रि चल रही है, क्या कुछ नवरात्रि में जाएंगे? नवरात्रि के टाइम पे बहुत बिजी रहते हैं हम लोग, दिन में भी पूजा, शाम में भी पूजा, बहुत सारा करना होता है, तो इस बार नवरात्रि के टाइम पे मैंने कोशिश की है कि मैं शोज ना लूँ और बहुत ज़्यादा समय घर पर पूजा करने में अपना इन्वेस्ट करूँ, वो ही कर रही हूँ, क्योंकि माता जी की कृपा से साल भर इतना बिजी रहते हैं, तो ये 9 दिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ्री रहूँ और घर पे पूजा करने पे फोकस कर सकूँ। और अपकमिंग कोई प्रोजेक्ट आपके? बहुत सारी फिल्में, निरहुआ द लीडर शूट की है, अभी राजमहल शूट करने जा रही हूँ, और रोमियो राजा शूट करने जा रही हूँ, तो बहुत सारी फिल्में हैं लाइन में, बस उन्हीं के ऊपर अभी काम चल रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है दोनों का जो जोड़ी है पर्दे पे, क्या फिल्म बड़ा अच्छा संजोग बना लव मैरिज का। मेरे पास एक कहानी आई थी तो मेरे दिमाग में था कि कभी उसका संजोग बने तो मैं उसको बनाऊं, तो एक जगह बस बातें चलते चलते हमारी गुप्ता जी से मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, और ये प्रोजेक्ट हमारा फाइनल हुआ। जहां तक कास्टिंग की बात आई तो अमरीश जी साथ में थे, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा इस फिल्म को खड़ा करने में, तो फिर उन्हें कास्ट किया, उसके बाद अक्षरा जी का संयोग बना इस फिल्म में कैरेक्टर करने का। बाकी सारे कैरेक्टर जैसे स्क्रिप्ट की डिमांड थी उस हिसाब से हमने बड़े चुन चुन के रखे हैं, जैसे अवधेश मिश्रा जी हो गए, विनोद मिश्रा जी हो गए, और सच कहिए तो अवधेश मिश्रा जी और विनोद मिश्रा जी ने इस फिल्म में जैसी भूमिका अदा की है, मुझे लगता है कि एक बार जो भी इस फिल्म को देखेगा उसके मानस पटल पे इनके अभिनय की छवि छप जाएगी। बहुत ही उम्दा अभिनय किया है, दोनों ही बहुत ही अच्छे अभिनेता हैं। इसके अलावा फिल्म में हमारे जितने भी और भी कैरेक्टर हैं उन्होंने भी बहुत अद्भुत परफॉर्मेंस किया है, जैसे के गोस्वामी जी हो गए, रोहित सिंह मटरू, अनूप तिवारी हो गए, सोनिया मिश्रा हो गई, श्रद्धा नवल जी ने बहुत अच्छा काम किया है, और इसके साथ पूजा दुबे है, सलोनी बिष्टा हैं, और सुबोध सेठ हैं, अरुण सिंह काका हैं, लगभग सभी लोगों ने इतना बेहतरीन काम किया है कि आप देखेंगे तो लगेगा कि एक कंप्लीट टीम वर्क है।
और फिल्म पूरी तरीके से पारिवारिक, हल्की कॉमेडी भी है, थोड़ा सा टेंशन भी है, इमोशन है, और एक बहुत ही साफ सुथरी फिल्म बनाने की कोशिश की है लव मैरिज के माध्यम से। बाकी मैं चाहूँगा कि आप जब ये फिल्म रिलीज लगे हो, या आप तो पत्रकार बंधु है तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप इस फिल्म को, जो कि आप भी फिल्म देख रहे हैं, तो इसकी जो छवि है लोगों तक तो पहुँचे, और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है। बाकी सब आपके हाथ में है, हमारे दर्शकों के हाथ में है, उनको फिल्म कितनी पसंद आती है वो तो, ये तो वही बताएंगे। फिल्म के दौरान जो आजाद खान के साथ आपका सपोर्ट रहा, किस कन्वर्स का काम, अच्छा लगा काम करके, बहुत अच्छा लगा। और आज नवरात्रि का अष्टमी है, पूरी टीम को, लव मैरिज की पूरी टीम को बधाई, और ख़ास करके हमारे मित्र विष्णु शंकर बेलू, जो कि हम लोग साथ में, हम लोग का स्ट्रगल लाइफ आरा से ही, कॉलेज लाइफ से लेकर आज तक अच्छा काम किया है बेलू जी, और बेलू जी के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही अमरीश भाई का, अक्षरा जी का, उदेश भैया का, तमाम जो भी कलाकार हैं, सबसे मुझे सीखने को मिला। खास करके विनोद मिश्रा जी और उदेश मिश्रा जी, एक अद्भुत कलाकार के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, और एक्सपीरियंस अच्छा रहा, और फिल्म भी देख रहे हैं तो अच्छा ही लग रहा है। इसके अलावा कौन कौन, अभी मेरी आने वाली फिल्म है प्रतिबंध, अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ लाल चुनरिया वाली पे दिल आया है, जिसमें समर सिंह और हम हैं। उसके बाद हमारी ये अपना दूसरी एक और फिल्म है जो मैं नागिन तू सगेरा, जो अरविंद चुबे जी की थी, वो भी आने वाली है। और छोटू छलिया को लेकर मैं खुद एक फिल्म कर रहा हूँ, जिसका दिसंबर में शूटिंग करूँगा।